बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुम्मा का दिन है, पूरे हिंदुस्तान को मेरे जितने मुसलमान क्रिश्चियन हिंदू भाई सबको अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते, जुम्मा मुबारक सबको मेरे लिए। मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बीदर के अंदर जो पॉलिटिशियंस के पार्टी के जो लोग है, जो काउंसलर मेरे भाई लोग है, जो आपस में एक दूसरे को गलत गलत बयाना देके गलत गलत टॉपिक पर बहस करके पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे और ये बोलना चाह रहे कि भाई ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, इन्हें ऐसा नहीं करा, उन्हें वैसा नहीं करा, ये एमएलए रनिंग एमएलए जो भी पार्टी के कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं कि ये एमएलए क्या कर रहा है, किसका काम से हमको पब्लिक को कंफ्यूज करके रोडा बनाने से, नालिया बनाने से क्या फायदा होता? डेवलपमेंट करे कुछ कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए लोगों के बारे में अगर सोचे तो अच्छी बात है, बल्कि जनता की ये रहे। लेकिन मैं जनता से, मेरे हिंदू क्रिश्चियन सरदार जी भाई लोगों से मैसेज देना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस के अपोजिट के पार्टी आपस में बहस करके टॉपिक पे मीडिया के थ्रू मैसेज करके लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं और काम करने को रुकावट डाल रहे हैं और रुकावट वाले बोल रहे हैं काम नहीं हो रहा बोल रहे हैं। लेकिन रियली में अगर काम अगर हो रहा होगा, अगर रियली में अगर डेवलपमेंट हो रहा होगा अभी तक अंदर, तो अगर अपन राशन लेने जाते तो राशन का जब बिल बनता सामान का, तो कौन सी चीज का क्या रेट हुआ, कौन सी चीज का क्या रेट हुआ, उसके बिल के हिसाब से टोटल मार्केट बिल का अमाउंट बताया जाता कि इतना राशन हो गया बोल के। तो फिर एमएलए साहब जो रनिंग एमएलए साहब जो मेरे भाई, तो जब उन्हें काम कर रहे हैं, जब जनता के बारे में अच्छा बोल रहा सोच रहे कर रहे हैं, तो फिर जो डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्चा कर रहे हैं, जो फाइनेंस गवर्नमेंट से जो रिलीज होकर जो आ रहा है, उसके बारे में मैं इतना टेंडर इतना को दूं, ये काम कितना खर्चा आया, टोटल इतने इतने जगह पे काम करूं, इसका टोटल इतना बिल आया, बल्कि मैं जनता को बताऊं अभी खुला, आप जनता के सामने डर के कंफ्यूजन करके क्लियर करो ना अभी बात के लिए, तो जनता को भी मालूम हो जाता कि भाई एमएलए साहब ने बिल्कुल हमारे लिए जो भी बजट आ रहा गवर्नमेंट से फाइनेंस रिलीज होके, तो कितना कितना बजट, कितना कितना खर्चा, कितना कंकर गया, कितनी रीति गई कंक्रीट गया, कितना डामर गया, कितने लेबर्स काम करे, कौन से गुजरे को टेंडर दिए, ये सारी बातें जनता को बताओ आप पूरा, तो जनता बिल्कुल खुश होंगी। क्यों सफाई देने की जरूरत क्या अपने को बिदर में, किसके लिए भी? रहे बात म्युनिसिपालिटी का, म्युनिसिपालिटी में ये प्रॉब्लम आ रहा है, खाता हो, मोटिशन हो वगैरह जो भी काम है, वो काम जनता तक नहीं हो रहे, कल लाओ परसों आओ बोल के बोल रहे, ये लाओ वो लाओ बोल के बोल रहे। अगर पार्टी बन जाती तो पब्लिक की जनता के लिए जो भी रीजन है, जो भी प्रॉब्लम है, हमारे काउंसलर भाई जितने भी है, वो काउंसलर भाई लोग जनता के लिए काम करना चाहिए, काम कर रहे भी, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बजट नहीं आया, वो नहीं आया, नहीं आया बोल के जो म्युनिसिपालिटी में जो बोल रहे हैं, इसके बारे में जो भी टॉपिक पे आपस में जो बहस कर ले रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है काउंसलर मेरे भाइयों से, पॉलिटिशियंस के लोगों से, कि आपस में ऐसा मैं-मैंपना कर लेना, आपस में बहस कर लेना, ये गलत है। कोई भी बात बोलने से पहले, किसी के खिलाफ एग्जाम लगाने से पहले सोच समझ के लगाओ, बयान देने से पहले सोचो क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ बोल के कन्फर्म करके बोलो, बोले करिए आप लोग। मेरी ये रिक्वेस्ट है पूरे बिदर की जनता से और मेरे हिंदू क्रिश्चियन सरदारी लोगों से, सबसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी बात बोलने से पहले सोच के बोलो। अस्सलाम वालेकुम।